गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय हम लुधियाना के पास पहुंचने वाले हैं, तो ये खेत इस समय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। 8:20 हुए हैं और एकदम मुझे आज इमरजेंसी ना अमृतसर जाना पड़ रहा है अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, अपने साले साहब के साथ, वो मुझे लेने आए हैं। तो एकदम प्रोग्राम बना है, तो अब मैं आपको जाते हुए सारी आपको वीडियो दिखाता रहूँगा, अपनी जर्नी बताऊंगा सारी इस वीडियो में। बाय, मिलते हैं परसों, ठीक है जी? मिलेंगे ब्रेक के बाद। इस रोड पर पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारा एरिया इस समय ऐसा हो गया है। अब यहाँ से हमने मेट्रो पकड़नी है, तो सीधा जाना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मैं पीछे रह गया हूँ और साले साहब भागे जा रहे हैं इतना बड़ा बैग लेके। तो अब चढ़ पड़े हैं हम। तो आ गया मेट्रो स्टेशन पे अंदर, उधर जाना है। तो अब आ गया ऊपर, ऐसे पकड़ने हमें मैं तो सीधा गए हम चांदनी चौक। खराब और आराम से बैठे साले साहब, सीट मिल गई हमें, हम दोनों बंदे यहाँ पे बैठ गए हैं। ये हमारे साले साहब हैं और ये मुझे लेके जा रहे हैं अमृतसर। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे साथ हैं आज डेंगू पे बात करते हुए। तो रजीत चौक पे आ गए, अब जा रहे हैं हम चांदनी चौक। लगी हम लाइन पे उठा लिए गाड़ी, लग गई। इस लाइन में बहुत भीड़ है भैया, यहाँ पर हमारे वाली बस्ती का बहुत ज़्यादा भीड़ है साहब। टोकन इनका भी नहीं डल रहा, बातें कर रहे थे अभी कि अभी आप कमाल है। ये शमी वधवाजी जा रहे हैं, ये चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पर उतर गए हैं। अब ये हम यहाँ से जाएंगे चांदनी चौक बाहर, उसके बाद हमने जाना है नागपाल डेयरी, वहाँ से अमृतसर के लिए हमें वॉल्वो मिलेगी। और फिर हम आपको रास्ते में अगर कहीं स्टे होगा तो हम आपको बताएंगे स्टे में क्या है। मुरथल अगर हुआ तो आपको मुरथल की पिक्चर हम ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ा ऊपर जाना पड़ता है, बहुत नीचे जो है ये स्टेशन है, बहुत ऊपर तक है सीढ़ियाँ। और अभी बस निकलते ही हमने वहाँ जाके अपना बस पकड़ लिया और स्लीपर लेना, सो जाना है, फिर देखते हैं। मेरा सुनसान सा है जी ये वाला, तो रास्ता मुझे तो ख़तरनाक लग रहा है रास्ता। चांदनी चौक का छोटी सी गलियारे थी निकल रहे हैं, हम दो ही बंदे हैं सिर्फ, तीसरा बार ही मिल सकता है हमें, कोई तीसरा बार मिल सकता है नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ अमृतसर और मेरा एक सरप्राइज है वहाँ पे, वो अगले व्लॉग में आपको पता लगेगा। और 1K पहले तो आप करवाओ मेरे सब्सक्राइबर, 1K करिए आप लोग, फिर ये सरप्राइज भी खुलता है। अब बाहर जाने का रास्ता मिल गया हमारा। अब यहाँ पे तो हमें रोशनी ज़्यादा हो, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे छोटा रास्ता था और वो थोड़ा संकरा सा भी था। तो अब हम आ गए हैं बाहर, गुरुद्वारा शीशगंज की तरफ जाएंगे। भाई के साथ थोड़ा सा झगड़ा करने के बाद और हमने 40 रुपये करवा लिए हैं और ये हमें नागपाल डेयरी पे लेके जा रहा बंदा, जा रहे हैं नागपाल डेयरी। और भैया ने अपनी इको बड़ी से दनों भगा दी है पानी में से, और इधर उधर देखो आज बारिश भी बहुत हुई है। और अभी हम जा रहे हैं अमृतसर, बस में तो आ गए हैं, लेकिन बस तो मेरे साइज से मतलब थोड़ी हल्की वो है, टाइट है ये मामला। ये बस है जी जिसमें हमने जाना है, पूरी गैलरी बनी हुई है। हमारा कैबिन है जी जहाँ मैं अपने साले के साथ आज पार्टी करने वाला हूँ। अपनी सीटों पे बैठ गए और हमारे नेबर अपना आमलेट वगैरह खा रहे हैं, ये भी वहीं जा रहे हैं। और ये अपने अपने सारे पिंजरे में हम हो चुके हैं कैद। ये नहीं हो पाई नहीं यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस समय हम लुधियाना के पास पहुंचने वाले हैं, तो ये खेत इस समय बढ़िया से लग रहे हैं, हरे हरे।
जी आए आगे में अमृतसर और ये बस ने हमें उतार दी है और अब हम पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे रिश्तेदारों के घर पे। जोड़ा फाटक पे, फाटक अभी बंद है, ट्रेन निकलेगी उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं और अभी भीड़ हो गई है ज़्यादा यहाँ पे। तो ये है वाहन चालक हमारे, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। ये वाहन चालक हैं, ये उम्र 55 साल के आसपास है। फाटक पे 20 मिनट हो गया अभी तक, जोड़ा फाटक पे बहुत तंग हो गए हैं, गर्मी बहुत हो गई है, एकदम से बढ़ गई है गर्मी। एक फाटक खुला और दूसरा फाटक बंद और ये जाम है जोड़ा फाटक पंजाब में अमृतसर में। यहाँ पे हमने पहुँचना था दीपिका के घर पे, तो पहुँच गए हैं, यहाँ मिलेंगे प्रधान जी हमें।